कि संत कहे अस नीति दशा मंदोदरी ने कहा रे दसकंदर, संतों ने ऐसा कहा है कि जब चौथा पन आ जाए, वृद्धावस्था आ जाए, तो सारी माया को छोड़कर, कानन का मतलब जंगल से होता है, एकांत में जाके हरि स्मरण करना चाहिए। आज अयोध्या में यह विचारो रे आन निप सुदिन सुओ सर पाय प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु ही सुनायो जा। अगर आपके मन में कोई विचार आता है, कुछ पाने की इच्छा है, तो सबसे पहले गुरु के चरणों में बात रखनी चाहिए। लेकिन सब कुछ लूटने के बाद गुरु को सूचना मिलती है जी, पहले नहीं मिलती। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट है, यह विचार उन्हें नृप सुदिन सुअवसर पाए। महाराज दशरथ के हृदय में ये बात आती है, विचार किया और चर्चा कब करी जाए, सुदिन शुभ दिन, सुअवसर शुभ अवसर, जान के अवसर देख के पाने के बाद प्रेम पुलक तन मुदित मन, हर्षित मन से उत्साहित तो होकर जिज्ञासु वृत्ति को लेकर गुरु ही सुनायो जाए। अपने सर गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और कहते हैं उनसे कि प्रभु मेरी इच्छा है, ऐसा नहीं कहा यार। हम क्या कहते हैं, हमारी इच्छा है, तेरी इच्छा तो कभी पूरी ही नहीं होनी भाई। क्यों दशरथ जी ने कहा ये मेरी इच्छा नहीं है, क्या इच्छा है कि कहीं भुआल सुनिए मुनि नायक उभय राम सब विधि सब ला। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव मेरा विनम्र निवेदन है, स्वीकार करिए। आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई राम सब विधि सब लाए, हर प्रकार से आज राम योग्य हो गए हैं। इसलिए सेवक सचिव सकल पुरवासे सेवक सचिव सकल पुरवासे उजे हमरे अरे मित्र उदय। महाराज मेरे नगर के सेवक सचिव सलाहकार और मित्र जितने भी हैं, सब लोगों का भाव है, यानी यहाँ भाव कितना सुंदर है। देखिए कार्य राज धर्म क्या है कि खाली अपने अपने के लिए और पार्टी बदल दो, ऐसा नहीं कहा है नहीं? दल बदलू जिंदगी नहीं जीना चाहिए। महाराज दशरथ ने क्या किया, जे हमारे अरे मित्र उदासी, सेवक सकल सचिव पूर्ववासी, मेरे नगर के सेवक सलाहकार नगर के वासी मित्र सचिव और शत्रु भी,
वो भी यही कहना चाह रहे हैं कि सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोहि प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोहि। यही एक भाव है कि जब शत्रु भी तुम्हारे लिए प्यार करने लगे तब समझो समाज में कुछ किया। और डरना अगर तो मित्र से ही डरना, शत्रु तो कभी कभी रक्षक बन जाता है क्योंकि उसे पता है अगर कोई भी व्यथा आएगी तो नाम उसी का होगा। कि जो शत्रु मित्र है सब लोग, बड़ी प्यारी बात कही कि सब ही राम प्रिय जही विधि। गुरुदेव हमारे नगर के सचिव सलाहकार नगर के वासी मित्र और शत्रु सबको राम उतने ही प्रिय हैं, उतने ही प्यारे लग रहे हैं जैसा कि मुझे। जब हर हृदय में आपके नाम की दुआएं लोग मांगने लग जाए कि जा तुझको हमारी उम्र लग जाए, तब आप सामाजिक संपत्ति बन जाते हो। जब आप खुद को मिटा दो सारी दुनिया तब आपको स्मरण करेगी, नहीं तो कोई क्यों याद करेगा। शत्रु भी याद कर रहे हैं। दशा ऐसी हो कि एक दिन हमने भी ऊपर वाले से दुआ मांगी थी, एक दिन हमने भी ऊपर वाले से दुआ मांगी थी और दुआ में कुछ और नहीं अपनी ही मौत मांगी थी। दुआ में कुछ और नहीं अपनी ही मौत आग मांगी थी। ऊपर वाले ने कहा मैं तुझे मौत दे भी देता, दुआ कबूल है मुझे, और उन हजारों लोगों को क्या जवाब दूंगा जिन्होंने हर सांस में तेरे जिंदगी की दुआ मांगी थी। ये भाव हृदय में जग जाए वो आनंद बरस जाए। विप्र सहित परिवार गोसाई कर ही छोह सब रउ रही। बाबा ने भोजपुरी भी लगाया। रामचरितमानस में 16 भाषाओं का प्रयोग है ना? क्यों नहीं? पुष्प वाटिका में जनकपुर में नगर दर्शन के टाइम क्या कहा था? जाओ राउर, आप लोग बोलते हैं राउर, सम्मानजनक शब्द है भोजपुरी में ना, राउर। अब यहां आ गया राउर। अगर आपकी मतलब क्या कहा रो रहे सारे के लोग आपके जितना ही प्रेम राम से, आप गुरु को 100 बार प्रेम करो बात अलग है, लेकिन गुरु एक बार प्रेम करे तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप गुरु को तोड़ने की बात कर सकते हो, जोड़ना तो उसके हाथ में। तो भैया 1,00,000 बार आप किसी दरबार में जाओ, 1,00,000 बार आप गुरुद्वार पे जाओ और 1 बार गुरु अपनी मर्जी से तुम्हारे धाम आ जाए तो सब कुछ आनंद ही आ। तो जे गुरु चरण रेणु सिर धरही ते जन सकल विभव बस करे। बहुत बड़ी बात कही कि जे गुरु चरण रेणु सिर धरही ते जन सकल विभव बस करे। गुरुदेव जो गुरु की चरण रज को मस्तक पे रखता है, गुरु की वाणी पे विश्वास रखता है, उसे इस सूर्योदय से और सूर्य अस्त तक के किसी भी सीमा में उस पे कभी लांछन नहीं लग सकता, उसके कार्य को कोई रोक नहीं सकता। ऐ जिस जन पर कृपा गुरु की हो वो जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय है उसको भय न कहीं उदयाचल से अस्ताचल। गुरुदेव मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। और क्यों कि मोहि सामयानु भय न दूरे। Yeah.
पता नहीं है गुरु महिमा के बारे में। मोही समया हायनो भयो न दूजे, मोही समया वशिष्ठ जी निवेदन करते हैं गुरुदेव, स्कंद पुराण की तरफ जाएंगे तो कहा गया है कि गो शब्द अस्तवंध कारोस्तिह, रो शब्द अस्त निरोध कह, अंधकार निरोध त्वाद गुरु रीति विधीयते। गुरु त्यागाद भवेद मृत्यु, मंत्र त्यागाद दरिद्रता, गुरु मंत्र परित्यागी रौरवम नरकम व्रजे। गुरु त्यागाद भवेद मृत्यु, गुरु के त्याग से अकाल मृत्यु होती है, गुरु के मंत्र के त्याग से दरिद्रता होती है, और जहां इन दोनों का त्याग हो जाए वहां रो रो नरक मिल जाता है। आज दशरथ जी को राम को राजा बनाना है, हृदय में भावना है, वशिष्ठ जी के चरणों में जाकर निवेदन कहते रहे गुरुदेव कि मोहिसम यह अनुभयो ना दूज, आपकी चरण रज के प्रताप से, गुरु के चरण रज के प्रताप से जो होता है इससे बड़ा अनुभव किसी ने नहीं लिया। गुरुदेव ये आपकी ही कृपा तो है कि आपके चरण रज को पूजने के बाद चौथेपन में मेरे घर में राम का जन्म हुआ, और जो भी हूं मैं सब पायो रज पावन, आज मेरे पास जो है गुरु चरणों की रज की उपासना से। मेरे भाई बहन कहते हैं कि जब संत का रज और अन्न का कण मिले ना इसका कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। संत का रज इतनी आसानी से नहीं मिलता, और ना ही संतों के पास बैठ के अनावश्यक चर्चा करनी चाहिए। संत के पास बैठ के तो जीवात्मा और परमात्मा की चर्चा करो, वेद की वेदना और आपके हृदय की वेदना को दूर करने का काम तो सतगुरु का है। जो बिना कहे जान लेगा और आपकी मंगल कामना के लिए ईश्वर से साधना करेगा वहाँ तो जीवात्मा और परमात्मा की बात होनी चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ आज निवेदन कर रहे हैं और कहते हैं गुरुदेव अभी तक सब कुछ दिया ना, तो एक और अभिलाषा है मेरी पूरी कर दो। महाराज दशरथ कह सकते दक्षिणा ले और घर जा, चक्रवर्ती थे ना, बहुत बड़े राजा थे, लेकिन उन्हें गुरु महिमा का ज्ञान है, गुरु की कृपा के प्रसाद को स्वीकार करने की भावना है। आज दशरथ जी से कहते हैं दशरथ जी वशिष्ठ से कि अब अभिलाष एक मन मोरे, अब अभिलाष एक मन मोरे, अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजी है नाथ अनुग्रह तोरे, पूजी है नाथ अनुग्रह तोरे, मुनि प्रजाना की सहज तने हूँ, मुनि प्रजाना
जैसे सब कुछ दिया ना, अब मेरे मन में एक अभिलाषा है। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजी नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लख सहज स्नेह। गुरु को क्या चाहिए? सहजता, लीनता, दीनता और समर्पण। गुरु को धन से नहीं खरीदा जा सकता, गुरु को वैभव से नहीं प्रभावित किया जा सकता, गुरु को अहंकार से नहीं प्राप्त किया जा सकता। गुरु को तो समर्पित भाव से ही प्राप्त किया जाता है। गुरु से कहते हैं, आज मैं यही चाहता हूं कि जैसे सब कुछ किया है, मुनि प्रसन्न लख सहज स्नेह। वशिष्ठ जी प्रसन्न होते हैं अपने शिष्य के इस भाव को देखकर, और कहे नरेश रजायसु देहु। अब यहां पर थोड़ा सा वशिष्ठ जी ने अलग तरीके की बात कर दी है कि जब बातें धर्म कर्म की हो तो कर्म वीर क्या कर्म करे। जब जहां धर्म और कर्म की बात है तो बताओ हम कैसे करें। पुत्र आपका है राजन, परीक्षा लिया वशिष्ठ जी ने, ये पुत्र आपका है, अवध का राज्य आपका है, जो करना चाहो वो करो, मेरा तो कल्याण मस्तु का आशीर्वाद है ही आपका। कि जाइए करिए आपका। कहते ऐसा नहीं है महाराज, मेरा कहां से हो गया। चेले के पास 10 रुपया जाए, गुरु कहे सुपारी ले आना, कुछ कहे मंदिर में जाना, ये मेरे पैसे हैं। लेकिन दशरथ जी क्या कह रहे। वशिष्ठ जी ने कहा, भाई राज आपका, राम है आपके, नगर वासियों को जब प्रसन्नता है तो आप राजा बना दीजिए। कि मैं कैसे इसमें क्या निर्णय लूंगा। गुरुदेव ने कहा, महाराज राम हमारे कहां से हो गए, राम तो मेरे है नहीं, कैसे नहीं है राम हमारे, तुम्हारे कैसे हो गए। ये गुरुदेव चौथा पंथ रुदन करता हुआ मैं आपके द्वार पे आया, आपने मुझे मार्ग दर्शाया, श्रृंग ऋषि को बुला करके यज्ञ करवाया, और गुरुदेव अगर मैं आपका शिष्य हूं तो शिष्य की तुलना पुत्र के जैसी होती है, और अगर राम मेरे पुत्र है तो मेरे नहीं वशिष्ठ जी आपके पुत्र है, इसलिए निर्णय का अधिकार गुरुओं को दिया जाए। कहा है उन्होंने बड़ी सुंदर भाव में कि भय तुम्हार तनय सोई स्वामी। कि नहीं गोस्वामी जी कह भय तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनु। राम के प्रेम में जो साथ में चले, जो पीछे पीछे चले गुरुदेव, वो आपके भी पुत्र हुए। और दशरथ की इस भावना को देखते हुए वशिष्ठ जी ने कह दिया कि बेग विलंब न करी नृप, बेग विलंब न करी नृप, साजिय सबु ही समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, शुभ दिन हो, शुभ अवसर उसी दिन माना जाएगा जब राम का राज्याभिषेक होगा, राम को राजा बना देंगे। और फिर भी समझा रहे हैं कि जो पंच ही मन लागे नीका। नीति की बात करते हैं ना आज लोग, पहले धर्म देश उसके बाद नीति, नीति से राज चलता है। वशिष्ठ जी ने कहा, जाओ दशरथ राजा बनाना है ना, लेकिन जो आपको अच्छा लगता है वो नहीं करना। कि जो पंच ही मत लागे नीका, करहु हरस ही राम ही टीका। आप वही करोगे जो आपको अच्छा लगेगा तो विनाश हो जाएगा, इसलिए आप वो करो जो सबको अच्छा लगे। आप अगर चाहते हो कि लोग आपको सम्मान करें,
ये आपकी दृष्टि है, तो एक पल के लिए खुद को समाज की दृष्टि से देखना पड़ेगा कि ये समाज आपसे क्या अपेक्षा करता है। अगर आप उस पे खरे उतर जाओगे तो मेरी वही बातें हैं कि एक बार श्री चरणों में झुक जाओ, सारी दुनिया को आपके चरणों में झुकाने का नारायण करेगा। जो पंच ही मन लागे नीका, करहु हरस ही राम ही टीका। वशिष्ठ जी ने निवेदन किया है, आशीर्वाद दिया है, और मुदित महीपति मंदिरे आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। गुरु की कृपा है, राजसभा में नहीं मीटिंग कर रहे थे, मंदिर आए। अब यहां मंदिर घर को भी कहा गया है, क्योंकि सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ है, और दशरथ के महल को मंदिर इसलिए कहा है गोस्वामी जी ने, क्योंकि जहां मेरे राम का अवतार हो मंदिर ही होता है महाराज, इसलिए यहां लिखा उन्होंने कि मंदिर मंदिर मुदित महीपति आए, मंदिर में बुलाए, क्योंकि जहां राम का जन्म होगा वो तो मंदिर ही हो सकता है, और वास्तविकता में राम का जगह उस मंदिर में नहीं, इस मन मंदिर में होता है। जिसके मन मंदिर में राम हो उसका काम कोई रोक ही नहीं। चक्रवर्ती सम्राट ने गुरु को इतनी महिमा दी है, गुरु को इतना निवेदन किया, लेकिन आजकल के भक्त गुरु मतलब क्या, कुछ नहीं। उसमें गलती गुरु लोगों को भी है, टीआरपी बढ़ाने के लिए भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं।